दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अदर एग्जाम के लिए कई कोर्सेज अपलोड किए हैं, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बॉक्स में सर्च करके मुझे फॉलो कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी अदर एग्जाम के लिए, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए आज के कुछ क्वेश्चन, जो कि रेलवे एग्जाम में आज पूछे गए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन बनता है फल, आलू और सब्जियाँ। तो इसका हमें बनाना था वेन डायग्राम, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, फल तो अलग होता है, तो फ्रूट्स को हमने अलग रख लिया, और सब्जियां में क्या आ जाता है? आलू। तो ये हो गया हमारा सब्जियां, और इसके अंदर हो गया पोटैटो। ओके, आलू, क्योंकि आलू एक सब्जी है, तो सब्जी के अंदर वेन डायग्राम बन जाएगा। तो इसका जो फिगर होगा हमारा इस टाइप का होगा। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन हमारा बनता है कि टाइगर का कोड दिया हुआ है ये, तो लाइन का कोड क्या होगा? देखिए, टी की वैल्यू क्या होती है? 20। आई की वैल्यू क्या होती है? 9। जी की वैल्यू होती है 7। ई की वैल्यू होती है 5। और आर की वैल्यू होती है 18। तो हमें पता चल गया, कॉन्सेप्ट पता चल गया कि ये जो अक्षर दिए गए हैं सभी किसी न किसी अक्षर की नंबरिंग है। ओके, अब देखिए लाइन की वैल्यू कैसे करेंगे। देखिए, एल का कोड क्या होता है? 12। आई का कोड क्या होता है? 9। ओ का क्या होता है? 15। और एन का क्या होता है? 14। तो ये हमारा कोड हो जाएगा। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है क्या होगा। देखिए, बी एस पी एम आगे क्या होगा यहाँ पर? तो देखिए, बी की वैल्यू कितनी होती है हमारी? बी की वैल्यू होती है 22, एस की वैल्यू होती है 19, पी की वैल्यू होती है 16 और एम की वैल्यू होती है 13। देखिए, बी 22 से 19 बनने में कितना घटाया? 3। 19 से 16 बनने में कितना घटाया? 3। और 16 से 13 होने में 3 घटाया। तो हम लोग आगे भी इसी प्रोसेस को अपनाएंगे, 13 से 3 घटाएंगे 10। 10 में क्या आता है? जे। तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर होगा, जो फाइंड आउट अल्फाबेट होगा, वो हो जाएगा जे। देखिए दोस्तों, अगला हमारा फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें स्क्वायर ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग दे देंगे 1, 2 और ये 2। ओके, अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। देखिए, 1 का स्क्वायर किया और 2 का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड कर दिया। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5। तो इसमें टोटल जो स्क्वायर हो जाएंगे वो 5 हो जाएंगे। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन, यदि 10 फरवरी 2003 को मंडे था, ओके, तो 17 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, 10 फरवरी को मंडे था, तो 17 अप्रैल को क्या होगा? तो देखिए, फरवरी से हम लोग चलेंगे मार्च, फिर अप्रैल। तो देखिए, 10 फरवरी तो निकल गई, तो बाकी बचे हुए दिन कितने बचे? 18। 18 को ऐड कर लिया, और मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं? 31, इसको ऐड कर दिया। और अप्रैल कितने? 17 तक कहा गया, तो 17 को ऐड कर देंगे। ओके, ऐड करने पर क्या आ जाएगा हमारा? 66। और 66 में हम लोगों ने 7 से डिवाइड किया, जिससे हमें ऑड नंबर या कह सकते हैं रिमाइंडर पता चल सके। ओके, तो 7 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर हमारा 3 बचता है। अब इसी 3 को हम लोग मंडे के आगे ऐड कर देंगे, तो मंडे प्लस 3, तो मंडे के बाद क्या आता है? मंगल, बुध, बृहस्पति, तो मतलब थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा, बृहस्पति बार। अब हम लोग करने वाले हैं साइंस, जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ओके, तो देखिए, टमाटर का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है? तो देखिए, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। अगला है, मानव हृदय में टोटल चैम्बर कितने होते हैं? तो वो होते हैं 4। एक क्वेश्चन आया था कि बल का मात्रक क्या होता है, कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो देखिए, वो होता है न्यूटन। अगला है, आवर्त सारणी में कुल कितने रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं? तो आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, टोटल जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो है 38। ओके, अगला देखिए, कृषि सिंचाई के लिए कितनी राशि जारी की गई? तो कृषि सिंचाई के लिए टोटल जो इन्वेस्ट किया गया वो किया गया है 50,000 करोड़। अगला है, ओपियम बार, जो चाइना ओपियम जो बार हुआ था वो चाइना और किस किस देश के बीच हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटिश। ओके, अगला देखिए, मुक्केबाजी में 5 बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो देखिए, मुक्केबाजी में 5 बार स्वर्ण पदक जीता है मैरी कॉम ने। अगला देखिए क्वेश्चन क्या होता है, कि Na2CO3 में कुल कितने एटम होते हैं?
तो देखिए Na2CO3 में टोटल जो होते हैं सिक्स एटम होते हैं। कैसे होते हैं? Na में कितना होगा? एक, और कार्बन में कितना होगा? +2, और ऑक्सीजन में कितना होगा? +3। ओके, तो इसको ऐड करने पर टोटल कितना हो जाएगा? सिक्स। अगला है केप ऑफ गुड होप कहाँ है? तो ये केप ऑफ गुड होप ये है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ओके, अगला है आदर्श बोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श बोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट। ओके, अनंत। अगला है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। अगला, धारा को, करंट को किसमें मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो अमीटर होता है, उसे करंट को मापा जाता है, मेजर करता है अमीटर। ओके, अगला, राजस्थान के ब्रांड अम्बेसडर कौन है? तो राजस्थान के जो ब्रांड अम्बेसडर हैं वो हैं इरफान खान। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दी हुई है। अगला है ट्विटर के CEO कौन है? तो देखिए ट्विटर के जो CEO हैं वो हैं डिक कोस्टोलो। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका की लार्जेस्ट रिवर, मतलब दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा ऑरेंज नदी। अगला, सन टीवी की स्थापना किसने की थी? तो सन टीवी की जो स्थापना की थी वो की थी कलानिधि मारन। नेक्स्ट देखिए बाईफोकल लेंस के खोजकर्ता कौन है? तो देखिए बाईफोकल लेंस के खोजकर्ता हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, अगला, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच कौन सी सीमा है? तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच सीमा जो है वो है तास्मान सागर। अगला, योगी जी का जो रियल नेम है वो क्या है? तो अजय मोहन बिष्ट। योगी जी का जो रियल नेम है अजय मोहन बिष्ट। अगला, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना। अगला क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो देखिए दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल। नेक्स्ट है अमेरिकन विदेश मंत्री कौन है? तो देखिए अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं अमेरिकन, तो वो है माइक पोम्पियो। नेक्स्ट बनता है कि स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? तो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। ओके, अगला देखिए असम के राज्यपाल कौन है? तो देखिए असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगला, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो किस लाल ग्रह को किस ग्रह को कहते हैं? ये कहते हैं मंगल ग्रह को। ओके, अगला है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर पर्रिकर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।